हाय फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे चिली, सोया, बेबी कॉर्न एंड मशरूम। तो चिली जो जैसे चिली चिकन बनता है वैसे ही ये बनेगा। उसमें सोया चाप रहेगा। ये जो सोया चाप है इसको मैंने ऐसे स्लाइस कर लिया है और नमक और थोड़ा सा मिर्च पाउडर डाल के इसको मैरिनेट किया है। ज़्यादा टाइम नहीं, 3 से 5 मिनट मैक्सिमम। ये जो मशरूम है इसको भी छोटा छोटा स्लाइस कर लिया है, इसको भी सेम नमक और मिर्ची डाल के मैरिनेट किया है। और ये है बेबी कॉर्न, बेबी कॉर्न को मैंने ऐसा स्लाइस किया है, उसके ऊपर नमक और मिर्ची डाला है और थोड़ा कॉर्नफ्लावर डाला है कोट करने के लिए, क्योंकि बेबी कॉर्न नॉर्मल फ्राई करने से थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर दे देंगे तो ज़्यादा क्रंची होता है, टेस्टी लगता है। ठीक है, अभी ये सब हम फ्राई कर लेंगे। पहले चलो फ्राई करते हैं। अभी मैंने यहाँ पर गैस ऑन करके तेल थोड़ा गर्म कर लिया है। पहले इसमें सोया चाप्स डाल देते हैं। ओके, ये जो सारा सोया चाप्स है वो मैंने डाल दिया है। अभी इसको लाइट गोल्डन ब्राउन तक हम लोग फ्राई करेंगे। बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, इसको काला नहीं करना है, मीडियम आंच पे, मीडियम से हाई ये फ्लेम पे हम लोग इसको पकाएंगे। अभी इसका कलर जो है एकदम परफेक्ट है तो हम इसको अभी उठा लेंगे। मशरूम को ज़्यादा देर तक फ्राई नहीं करना है, थोड़ा फ्राई करके उठा लेना। ये अभी मशरूम का थोड़ा स्मेल चला गया है, वो अच्छा स्मेल आ रहा है तो अभी इस टाइम हम लोग इसको उठा लेंगे। बेबी कॉर्न जो हम लोगों ने कोट करके रखा है उसको इसमें डाल देंगे। बेबी कॉर्न को इसलिए आखिर में किया क्योंकि उसमें थोड़ा कॉर्नफ्लावर था तो तेल गंदा हो जाता, इसलिए। बेबी कॉर्न्स जो है वो अभी फ्राई होके रेडी हैं तो अभी हम इसको खा लेंगे। अभी इसका ग्रेवी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक फ्राई पैन ले लिया है और इसमें थोड़ा तेल गरम करेंगे। थोड़ा सा ऑयल डाल दिया है अभी इसमें, तेल जब गरम हो जाएगा तो इसमें थोड़ा लहसुन दे देंगे। अभी तेल गरम नहीं हुआ है, अभी इसमें लहसुन डाल सकते हैं। लहसुन को थोड़ा सा सॉटे कर लेंगे, हल्का इसका अच्छा स्मेल आना चालू होगा। इसको अभी तेल में थोड़ा सॉटे करना है। यहाँ पे अगर आप प्याज यूज़ कर रहे हैं तो कैप्सिकम से थोड़ी देर बाद प्याज डालें, कैप्सिकम थोड़ा नरम हो जाए फिर आप उसमें प्याज डालें। एट द सेम टाइम दोनों इसमें कुक करेंगे तो प्याज ज़्यादा फ्राई हो जाएगा और कैप्सिकम कम हो जाएगा, तो इसलिए पहले कैप्सिकम डाल दें, थोड़ा टाइम वेट करिए फिर प्याज डालें। इसमें अभी मैं ऐड कर दूँगी नमक, नमक स्वाद अनुसार, क्योंकि ऑलरेडी फ्राई में भी नमक है जो मैंने फ्राई किया था, उस बेसिस पर आप नमक डाल सकते हैं। उसमें फ्लेम बहुत हाई नहीं करना है, मीडियम टू लो इसमें ही फ्राई करना है। बहुत ज़्यादा हाई करेंगे तो जल्दी काला हो जाएगा। अभी इस स्टेज में मैंने इसमें थोड़ा सा ग्रीन चिली जो है वो स्लिस करके डाल दिया है, 4 या 5। जब ये कैप्सिकम थोड़ा नरम हो जाएगा तो आप इसमें थोड़ा ग्रीन चिली ऐड कर देना, ज़्यादा नहीं, ऑलरेडी इसमें चिली सॉस भी जाएगा तो थोड़ा सा 4-5 इसमें चिली ऐड कर दीजिएगा। एक कंटेनर में मैंने विनेगर, चिली सॉस, सोया सॉस और टमाटो सॉस जो है वो मिक्स कर लिया था। इनको आप मिक्स कर लेंगे इस पर और इसमें ऐड कर देंगे अभी। ठीक है, अभी हम लोग इसमें जो सॉस मिक्स करके रखे थे वो सब ऐड कर लेंगे। आप जिस स्टेज में चिली ऐड कर रहे हैं ग्रीन चिली, वो सेम स्टेज पे आप थोड़ा प्याज भी ऐड कर दें उस पर। आज मुझे नहीं खाना है प्याज तो इसलिए मैं ऐड नहीं कर रही हूँ, आप उसी टाइम ऐड करते हैं एट द सेम टाइम। अभी ग्रेवी को थोड़ा पकने देना है,
बहुत ज़्यादा नहीं है, सोया सॉस ज़्यादा पक जाएगा तो वो बहुत ही और भी तीखा हो जाएगा, तो उसको ज़्यादा नहीं पकाना है, थोड़ा बहुत ही पकाना है इसको। अभी जो ये ग्रेवी है थोड़ा सा पक गया है, तो अभी इसमें मैं जो फ्राइज है पहले से मैंने बना के रखा है वो सब मैं ऐड कर दूँगी। फ्राइज इसमें ऐड करके जस्ट थोड़ा चलाना है, फ्राइज को मतलब सिर्फ कोट कर लेना है और कुछ नहीं, जो सॉस है उसके साथ फ्राइज को कोट कर लेना है। देखिए हल्का कोट हो गया है, अभी डन, अभी हम लोग गैस ऑफ कर देंगे। ये देखिए अभी रेडी हो गया है चिली सोया बेबी कॉर्न एंड मशरूम। अभी इसको मैंने प्लेट में निकाल लिया है, ये देखिए सभी दिख रहा है यहाँ पे, बेबी कॉर्न यहाँ पे, सोया चाप, मशरूम, सभी यहाँ पे दिख रहे हैं। बहुत ही टेस्टी होता है खाने में, आप प्लीज़ इसको ट्राई करिए और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि अगर आपको ये सोया चाप जो है ये भी होममेड है, ये सोया चाप का होममेड रेसिपी अगर आपको चाहिए तो मुझे कमेंट में मेंशन करिए, मैं इसका अलग से एक वीडियो डाल दूँगी। ये सोया चाप मार्केट में भी मिलता है फ्रोज़न, वो भी अवेलेबल है, अगर आप चाहें तो इसको घर पे भी बना सकता है, तो घर पे जो बनाएंगे वो ज़्यादा टेस्टी होगा, ज़्यादा हेल्दी होगा। तब मुझे कमेंट्स में मेंशन करिए, मैं उसका अलग से रेसिपी डाल दूँगी। ओके, थैंक यू।